उससे वो उसी नाव पर बैठा के लेके नदी के पार जा रहे। बाढ़ का समय था, नदी की बड़ी तेज धारा थी, नाव में बहुत से लोग थे, बच्चे भी थे, लेकिन कुत्ता बड़ा बदमाश था। वो बड़ा उछल कूद करता, उसके उछल कूद करने के कारण बच्चे डरने लगते थे, इधर उधर भागने लगते थे और नाव बीच में नाव का बैलेंस संतुलन खराब होने लगता था। तो बलराम ने कहा, जमींदार साहब अपने कुत्ते को संभालिए, नदी की धारा बहुत तेज है, पानी बहुत ज्यादा है, मध्य नदी में हम लोग हैं, सवार भी बहुत है, थोड़ा भी संतुलन की नाव पलट जाएगी, सब की जाएगी। तो अपने कुत्ते को संभाली, जमींदार कुत्ते को डांट देते थे लेकिन प्यार भी कुत्ते से बहुत था। दिल्ली के कनाट, दिल्ली के दक्षिण साउथ दिल्ली से हम लोग ऐसे करते जा रहे थे तो लिखा हुआ था घर के बाहर, कुत्तों से सावधान, कुत्तों से सावधान। हमारे साथ एक महात्मा थे, वो कहते हैं सुनिए, एकदम सीधे सरल बेचारे पुराने महात्मा गुरु महाराज के समय के, वो हमको कहते हैं हेलो सत्यप्रकाश जी, हम लोग जी बाबा वो प्रवचन वगैरह करते नहीं है, मेरे साथ गए कि हम भी दिल्ली चले गए आपको प्रोग्राम में, तो हम लेके चले गए थे। तो कहते हे वो सत्यप्रकाश जी, देखे छो कुत्ता के घर छे, हम बोले कुत्ता के घर, हाँ वो देखा दिल्ली में छे कुत्तों से सावधान। तो थोड़े बहुत पढ़े हैं वो भी साधु बनने के बाद पढ़े, हम बोले बाबा ये कुत्तों का घर नहीं है, इस घर में दो तीन गो कुत्ता होगा, घर वाला कुत्ते का बड़ा शौकीन होगा, गेट पर ही बांध के रखा होगा, इसीलिए लिखा है कुत्तों से सावधान, यहाँ आदमी रहता है कुत्ता सब खाली नहीं रहता है। तो बाबा बोलते हो हम तो सोचते हो कि कुत्ते घर छे यहाँ पर, कुत्ता की ट्रेनिंग वेनिंग हो होते, तब हमको लगा कि बाहर रहते तो हम कहते कि बोर्ड बदल दीजिए, नहीं तो बाबा समझ लें कि भीतर सब कुत्ते रहता है। लोग घर में स्वागतम लिखा करते थे, हम कुत्तों से सावधान होते हैं, ये अंतर है। तो जमींदार साहब का कुत्ता बड़ा मुंहबोला था, खुद के सिर पर चढ़ गया, बड़ा प्यार से पाले थे पुत्र की तरह, तो डांटते थे कुत्ता शांत हो जाए फिर कूदने लगे। नानक बड़ा गुस्सा हो रहा था कि सबकी जान चली जाएगी, आपको अपने कुत्ते की पड़ी है, शांत करो। जमींदार कहता है भाई नहीं शांत हो रहा, हम कोशिश कर रहे क्या करें। तो एक महात्मा जी थे, चेतन बाबा की तरह सीधे नहीं रहे, उनके मेरे तरह थोड़े टेढ़े रहे। तो महात्मा जी ने कहा कि हम तुरंत कुत्ता को शांत कर देंगे। कहा ठीक है आप शांत कर दीजिए, कुत्ता को उठा कर नदी में डाल। अब कुत्ता को तो तैरने आता है, नदी में डाल दिए। अब नाव को बोले बढ़ाते रहो, जमींदार का तैयारी काफी नाव 5 मिनट रुक जाएगी। अब पानी की धारा बड़ी तेज थी, कुत्ता नाव की ओर भाग कर आना चाहता था, लेकिन गंगा की वो बाढ़ की तेज धारा कुत्ते को भला चलने दे, वो तो हाथी को बहाने जाता है। देखा हरिद्वार में हाथी इस सामने तैरते हैं कहाँ जाके निकलते, तो वो कुत्ते को भला पड़ने दे। और नाव को विपरीत दिशा में जा रही है, अब कुत्ता बहते जा रहा है, कोशिश खूब कर रहा है कि नाव मरा दे नाव मरा दे। नाव और कुत्ते के बीच दूरी बढ़ती जा रही है, धारा की प्रबलता में जब कुत्ता छोटा तो था ही, उसकी शक्ति अब बिल्कुल क्षय होने लगी, कैं कैं करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब मौत सामने थी, देख लिया कि अब डूब के मर जाएंगे, कोई उपाय नहीं, नाव पर नहीं जा सकते, मानी तक नहीं पहुंच सकते। जब कैं कैं करने लगा तब महात्मा जी ने कहा कि नाव को करीब से रखा, धारा की ओर मोड़ करते कुत्ते के पास नाव को ले गए, और महात्मा जी कुत्ता को उठा करके जमींदार के आगे रख दिए। कुत्ता चुपचाप बैठा रहा, पूरी यात्रा बैठा रहा। जमींदार कहता है अच्छा ये बताइए कि शांत कैसे हो गया पानी में डालने के बाद,
लोग शांत क्यों बैठे हैं? क्यों हम सब शांत बैठे हैं? क्योंकि हमको पता है कि नाव का संतुलन बिगड़ गया, तो गंगा नदी की गहराई को हम जानते हैं, इस नदी की धारा के वेग की शक्ति को हम जानते हैं, ये हमारी जान ले लेगी, हम इसमें डूब के मर जाएंगे। इस कुत्ते को ये ज्ञान नहीं था, इसको नदी की शक्ति का ज्ञान नहीं था कि ये नदी नहीं, नाव पलट जाए तो मौत है, मृत्यु है, ये साक्षात ये उसको पता नहीं था, न उसकी गहराई और नदी के प्रवाह की शक्ति से वो अनभिज्ञ था, इसीलिए नाव पर वो मस्ती करता है। और जैसे इस नाव से नीचे उतारा, उसको नदी की शक्ति से जब परिचय हो गया, तब उसको नाव की कीमत समझ में आ गई कि ये नाव कितना जरूरी है, ये हमारे जिंदगी और मौत के बीच है, नाव जीवन और मौत के बीच अगर कुछ है तो इस नदी के मध्य में नाव ही एकमात्र सहारा है, और इसलिए नदी के शक्ति से परिचय होते हैं, नाव की कीमत की परिचय इसको हो गया है, इसकी महिमा से परिचित हो गया है, अब ये दोबारा इस नाव से अलग नहीं होना चाहता है, इसीलिए अब शांत हो गया, ये नाव हमको सुरक्षित पहुंचाएगी, इसीलिए शांत। यही बात वहां पर कह रहे हैं भगवान, अति आत्मज्ञापन जी हो छाया सुख जाने से, वृक्ष की छाया का सुख हो जाने का जो गर्मी में आत्मज्ञापन है, भगवान सुनते सती तुम्हारे उस वियोग की जो हमारे अंदर में व्याकुलता थी, बेचैनी थी, अशांति थी, वो जाकर घुसुंडी जी के सत्संग में दूर हुआ था, हमें हमारी व्याकुलता कही थी, मन को शांति मिली थी कि यह संसार का स्वर है, यहाँ मिलन और विछड़न दोनों साथ साथ ही रहते हैं, ये संसार ऐसा नहीं है, जो जन्मा है वो मरेगा, जो होया है जो होगा है वो